अब वक्त नहीं आया भाई उसको पोटेंशियल कंप्लीट करने, आ जाते टिकट तो है। ओ माय, किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर मोहित। लोग घोस्ट राइडर का लेटेस्ट वाली यूनिफॉर्म ले लिया जो कि हैलोवीन यूनिफॉर्म है, और इसको मैं टेस्ट किया हूँ। यस, लाइव स्ट्रीम में टेस्ट किया। लाइव स्ट्रीम नहीं देखी तो एक बार पिन कमेंट चेक कर लेना, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने टेस्ट किया मैंने वापस यहाँ रिपीट नहीं करना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इफेक्ट उफेक्ट दिखा देता हूँ, और इस हिसाब से मैंने जैसे हिसाब से देखो हर गेम में भाई दो अटैक के एनर्जी अटैक के, और जिस हिसाब से क्रिटिकल रेट और एचपी कम है उस हिसाब से, और एचपी क्यों कम है मैं आपको समझा दूँगा आगे। स्किल देखो, स्किल सही है, और ये स्टार्टिंग में आप लोग देख लिए गलती से मैंने इसको ना भाई सेकंड पोटेंशियल टिकट यूज़ कर ली गलती से। वो लास्ट टाइम मेरे जाकर देख लेना भाई, मेरा रिएक्शन भाई बहुत मतलब गलती से किया भाई, क्या करूँ, रिएक्शन ही नहीं निकला कुछ। आइसोलेट देखो, कुछ अवेकनेट है, कुछ फुल अवेकन है, कुछ आधे आधे हैं। आर्टिफेक्ट मैटर करता है, इसका मैं आगे बताऊँगा आर्टिफेक्ट क्यों मैटर करता है। और ये रहा ऑब्लिक्स, यस ऑब्लिक्स के साथ मैंने टेस्ट किया लास्ट टाइम, और लास्ट टाइम मैंने बिल्ड दिखा दी है कि कैसे बिल्ड किया है। यहाँ पर सेम ऑब्लिक्स है, और बात है यहाँ पर तो कार्ड इफेक्ट सेम टू सेम है, कुछ तो ऐसे कार्ड इफेक्ट में चेंज नहीं हुआ है। ओके, अब मैं बताता हूँ भाई मेरा क्या है। देखो ये वर्ल्ड बॉस क्लियर किया है, 4 मिनट 11 सेकंड लाइव स्ट्रीम है, बड़ी लाइव स्ट्रीम में जाकर देख लेना, 16-17 मिनट की। मैं अभी वीडियो बनाऊंगा तो भाई वापस से वो जो दोबारा रिपीट थोड़ी करने वाला। तो यहाँ पे मैंने नल खेला है, ओके, और नल खेला मैंने कौन सी टीम से, ये वाली टीम से, ये हेल लीडरशिप में थी, और ये था मतलब बस। ओके, घोसी राइडर क्लियर किया जो कि 4 मिनट 11 सेकंड का था, और जिस हिसाब से बिल्ड है, और लेवल 70 में, बार बार बोलूँ लेवल 70 पे जो चीज़ है ना भाई, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा। और स्टेज 9 खेल रहा है, ओके, 10% एडिशनल पीएस डैमेज पे, और अटैक उटैक आप देख लियो, नहीं तो लास्ट में डिटेल में देखना। फिर उसके बाद ए बी एल खेला, यस ए बी एल, और यहाँ पर यहीं पर चीज़ आती है भाई एच पी की। यहाँ पर इसका सर्वाइविटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, सर्वाइविटी मतलब ये बहुत जल्दी मर जा रहे हैं, जल्दी से मेरा मतलब भाई जब अपना ये कौन ये सेंटर जो अपना अटैक करता है ना भाई, तो भाई समझना मजा आता है, वो जब तलवारी दम बीच में घुसाता है वो समझ जाओ, बहुत कम एचपी बढ़ती है। तो इसका इसीलिए भाई इसका जो आर्टिफैक्ट है ना घोसाडर का, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई ये इसमें है भाई वन मतलब ये एक जैसे 1% एचपी पे आकर रुक जाएगा, फिर 50% फटाक से रिकवरी करेगा, तो इसलिए इसका आर्टिफैक्ट ज़रूरी है इसके सर्वाइविलिटी के लिए। ओके, क्योंकि इसकी सर्वाइविलिटी बहुत कमज़ोर, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ध्यान से खेलना पड़ेगा। लेवल 70 पे टेस्ट किया हूँ, अभी लेवल 80 पे टेस्ट करना बाकी है, तो रुक जाओ, क्योंकि मैंने गलती से पोटेंशियल टिकट दे दी है, तो भाई अब लेवल 80 तो करना ही पड़ेगा मुझे, और क्या कर सकते हैं। ओके, और लास्ट में GBR, देखो GBR मैंने कलेक्टर्स का खेला, जो कि मैं मेरे हिसाब से भाई 2 से 2.5 मिनट में भाई क्लियर हो जाता है, जो कि लाइव स्ट्रीम में मैंने किया भाई, बोला ना भाई लाइव स्ट्रीम में मैंने पूरा से डिटेल में बताया, आप लोगों से बात होते किए तो जाके देख लेना लाइव स्ट्रीम जो देखा है, तो भाई ठीक है। यहाँ पर मैंने गैलेक्टर्स खेला, और गैलेक्टर्स 2 से 2.5 मिनट में भाई वो कम्प्लीट कर देता हूँ। ओके, कौन सी टीम भाई, वही अपना वहाँ पर हैला घोसाइडर मेन, और सपोर्ट, हाँ घोसाइडर का खुद का सपोर्ट बहुत तगड़ा, ये बात अलग है। और बात आई वहाँ पे शिफ्ट को मैंने दिया था सपोर्ट में, फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई चलो डोरमामू खेलते हैं। जब मैंने डोरमामू खेला ना भाई, तो मैं सच में बोलूँगा भाई बहुत अच्छा मुझे इसका मतलब डैमेज लगा, बहुत हाँ स्पीड टाइप का, लेकिन ये याद रखना है स्पीड टाइप के अभी सब डोरमामू है GBR में जो है सब स्पीड टाइप के, लेकिन जो अपना यूनिवर्सल टाइप का है घोस्ट राइडर वो सब लोग को मारेगा, ब्लास्ट टाइप, कॉम्बैक टाइप, स्पीड टाइप, और चाहे तो यूनिवर्सल टाइप को भी मारेगा। और लेवल 70 के हिसाब से भाई सेम टीम थी हैला सिफ और घोस्ट राइडर, और भाई बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट निकला। यस, कैसे कुछ 4 मुझे इतना याद नहीं है, 3.5 या फिर 4 मिनट में ना भाई वो जो उसका डोरमामू का 8x रहता ना 8 HP जो बोले उसको, तो उसको भाई ख़त्म कर दिया था, मतलब हाँ एकदम अच्छा है, और बहुत अच्छी तरीके से मतलब फास्टली मतलब लेवल 70 के हिसाब से भाई बहुत फास्ट क्लियर किया, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। अब इसको लेवल 80 करूँगा, लेवल 80 करने के बाद फिर उसका रिव्यू डालूँगा। तो अभी मैंने जो जो चीज़ें की, हाँ यहाँ पे बात करें एक और चीज़ की, आर्टिफैक्ट मैंने बता दिया सर्वाइविलिटी, और अब जब तक इसकी सर्वाइविलिटी ठीक नहीं होगी तो इसको टाइम में रिटर्न में ले जा करने का फ़ायदा ही नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है भाई, यहाँ पे मेन रहता है भाई इसका सर्वाइव कब तक करता है, और उसके बाद इसका अटैक तो है तगड़ा, किसका घोसाड़े का अटैक है तगड़ा, और मैंने इसलिए इसको टेस्ट भी किया। ओके, इसको टेस्ट किया लाइव स्ट्रीम में, और मैंने पहले ही टाइम टेस्ट करके मुझे पता चल गया भाई ये मारेगा तो भाई बहुत बुरा मारेगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसकी सर्वाइविलिटी की है, मतलब इसका भाई यस बहुत जल्दी मर जाता है, बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाता लेवल 70 पे, इसलिए शायद या फिर लेवल 80 करने के बाद
एचपी बढ़ेगी, अटैक बढ़ेगा, तो देखने की बात है। तो यस, इसलिए बोला इसका आर्टिफैक्ट मैटर करता है पीवीपी में यूज़ करने के। पीवीपी में अगर आपको यूज़ करना है तो आपके पास आर्टिफैक्ट होना चाहिए ये वाला। अब ये आर्टिफैक्ट आप कहीं से भी मिले तो फर्स्ट आर्टिफैक्ट ये उठा लेना अगर आपको मिलता है तो। नहीं मिलता तो भाई नो आइडिया भाई कभी लोग फ्री में देंगे या फिर कैसे हमको मिलेगा। आप लोगों को मिल सकते हैं डायमेंशन चेस शॉप में, जो डायमेंशन चेस है वहाँ से मिल सकते हैं, बट लकी लक वाइज मतलब लक लग गया तो निकल गया, नहीं तो भाई पता नहीं। ओके, कोई गारंटी नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट किया तो इसको अदर बैटल में यूज़ कर सकते हैं, बट मैं वही बोलूँगा भाई सर्वाइविटी वहाँ पे भी मैटर करती है। अगर वहाँ सर्वाइव नहीं किया तो भाई क्या फ़ायदा, समझ रहे हो। तो पीवी में ये सर्वाइविटी मैटर करती है। और पीवीपी की बात करूँ तो यस, सामने वाला बहुत ताकतवर रहेगा तो वन शॉट करेगा। और लेवल 70 में इस बार बार लेवल 70 के ऊपर पता है, लेवल 70 पे भाई ऐसे कुछ ही कैरेक्टर है जो जीबीआर में इतना अच्छा डैमेज कर रहे हैं। और वर्ल्ड बॉस में देखो ठीक है, वर्ल्ड बॉस में ठीक डैमेज किया, ऐसा नहीं एकदम ऐसे फास्ट नॉर्मल जैसे डैमेज करते भाई वैसे किया है। लेवल 70 पे टीयर 3 लेवल 70 जैसा बिल्ड है, जैसा कार्डिफिक है, उस हिसाब से स्टेज 9 खेला नल का, तब की बात करो तो मैं बोल सकता हूँ अभी इसको कंफर्म ऐसा बोलूँगा नहीं मस्ट बाय है या फिर वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, सब अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स है, तो इसको ले सकते हो। मतलब 1750 क्रिस्टल अगर ये 14 दिन बाद अगर आप लिए, मतलब 14 दिन बाद अगर चला गया तो फिर डायरेक्ट एक साल रुकना पड़ेगा जैसे ब्लैक बुल के रुके। और आई थिंक इसका आर्टिफैक्ट कहीं ना कहीं से हमको मिल जाए तो भाई धमाका कर देगा, समझे। और इसको एक तरह से मैं लेवल 80 मैं अब भी करने वाला हूँ। यस, अब लेवल 80 का रिव्यू देखूँगा और लेवल 80 में मैं ब्लैक बुल वर्सेस घोष अटा करूँगा। अब लेवल 70 पे नहीं करने वाला क्योंकि भाई मैंने गलती से टिकट यूज़ कर ली, सेकंड पोटेंशियल टिकट एक ही थी मेरे पास, वो यूज़ कर ली। स्टार्टिंग में वीडियो में देखें, लाइव स्ट्रीम में भी देख लेना भाई कैसे गलती से यूज़ किया मैंने, बातों में चैट पढ़ने के चक्कर में मैंने अपनी लगा दी है, समझे। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय।